मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री परिषद की बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें वन्य प्राणियों से जनहानि की राशि को बढ़ाया गया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। इसमें कई अहम निर्णयों पर सहमति बनी, जिनमें कलाकारों को बड़ी राहत देने का काम किया गया। तो जानिए कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम 2023 जारी करने की स्वीकृति। एमपी के कलाकारों को मिलने वाली बढ़ाई गई सहायता राशि। वन्य प्राणियों से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को किया दुगना। 4 लाख रुपए की बजाय अब दिए जाएंगे 8 लाख रुपए। नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6,474 अस्थायी कर्मचारियों को राहत। कर्मचारियों की निरंतरता जारी रखने के लिए बनी सहमति। दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए स्वीकृति। MBBS की 100 सीटों वाला दमोह में खोलेगा मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा स्टार्टअप नीति में संशोधन संबंधित मिली स्वीकृति। की बैठक बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख निर्णय काफी लिए गए। पहला जो मानवीय निर्णय था कि जो वन्य प्राणियों से जनहानि हो जाती थी और उस जनहानि में 4 लाख रुपया कुल दिया जाता था किसान को, मजदूर को या व्यक्ति को, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको दुगना कर दिया है। 4 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपया इस राशि को किया गया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, इसके नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी आज 85.35 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा की गई है। इसमें ग्रिड में सुधार, पावर सिस्टम में डेवलपमेंट में कई चीज़ों में ये जनरेटिंग कंपनी के सुधार के साथ में ये शामिल है। मध्य प्रदेश में जो संस्कृति विभाग के द्वारा हमारे जो साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं, ये गंभीर बीमारी से काल कवलित होते हैं या दुर्घटना हो जाती है, कोई दैवी विपत्ति आ जाती है, इसमें भी आर्थिक सहायता का जो कल्याण कोष था उसमें आज मुख्यमंत्री जी ने संशोधन किया है। एक मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष के नियम 2023 की स्वीकृति इसमें प्रदान की गई है। पहले आपने देखा होगा कि पूर्व में भी इनकी मासिक सहायता भी बढ़ाई गई थी और आज जो 5,000-10,000 मिलते थे उसे बढ़ाकर 25,000 से 1,00,000 तक दिए जाने का ये मृत्यु पर आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलने से महाकौशल इलाके को बेहद ही लाभ होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल।